हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ फटी एड़ियों का कारण और फटी एड़ियों का इलाज। फटी एड़ियों से बहुत लोग परेशान रहते हैं। फटी एड़ियाँ सर्दियों के मौसम में ज़्यादा देखी जाती हैं, लेकिन जिनको इसकी प्रॉब्लम होती है उनकी एड़ियाँ साल भर फटी रहती हैं। अब मैं आपको बताऊँगी फटी एड़ियों का कारण। सूखी त्वचा। जिन लोगों की त्वचा सूखी रहती है उनमें फटी एड़ियाँ ज़्यादातर देखने मिलती हैं। धूल मिट्टी और हवा का प्रभाव। जो लोग धूल मिट्टी में काम करते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने मिलती है। एक्जिमा। एक्जिमा में भी एड़ी फट सकती है। डायबिटीज़ वाले लोगों की त्वचा रूखी हो जाती है, उनको भी अपने पैरों का ख्याल रखना चाहिए। जो लोग अपने पैरों को कवर नहीं करते हैं, चप्पल पहनते हैं, उन लोगों की एड़ियाँ भी फट सकती हैं। अगर आपकी एड़ियाँ ज़्यादा फट गई हैं, उस पर दरारें ज़्यादा आ गई हैं, तो गुनगुने पानी में 10 से 15 मिनट पैर को रखें। उसके बाद टावल से पोंछें और अपने पैरों को मॉइस्चराइज कर लें, फिर सॉक्स पहन लें। एक चम्मच कोकोनट ऑयल और एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अपने पैरों पर लगाएं और फिर सॉक्स पहन लें। इससे जल्दी आपकी एड़ियां भर जाएंगी। एक चम्मच कोकोनट ऑयल, एक चम्मच वैसलीन और एक चम्मच नींबू लेकर अच्छे से मिला लें। 5 मिनट तक अपने फटी एड़ियों पर इससे मसाज करें और फिर सॉक्स पहन लें। कुछ दिनों में ही इससे आपकी फटी एड़ियां भर जाएंगी। अपने पैरों को कवर रखें, बंद शूज़ पहनें, अपने एड़ियों को मॉइस्चराइज करते रहें। रात को सोते टाइम एड़ियों पर मॉइस्चराइज़र लगाकर सॉक्स ज़रूर पहनें। ये सब करने से आपकी फटी एड़ियां भर जाएंगी और आपकी एड़ियां बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।